वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी खुशी हो रही है हमें। ठीक है, तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी के बारे में वर्ल्ड मीडिया और जो हमारे पड़ोसी हैं बेगरत टाइप के, बेशरम टाइप के, वो क्या कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में ज़रूर लिखना। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करेंगे जिसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं वीडियो की तरफ। प्ले। The Indian Navy once again foiled a piracy attempt off the east coast of Somalia. Indian Navy warship INS Sharda successfully rescued 11 Iranians and 8 Pakistani nationals. ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है। 19 रेस्क्यू किए थे ना, तो ये दूसरा रेस्क्यू है क्या? इंसान की बात आत्मा है, लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए। 57 इस्लामी मुल्क, देखिए आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों का ग्रुप ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वाला, और छुड़ाया किसने? भारत की आर्मी। आई वांट टू सी कि पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं। डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था। देखें, जॉन तो रेस्क्यू करेगा, वो नहीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। अंदर से ना ऐसा वो आ रहा होगा, अरे बाप रे हम क्या बोल रहे हैं। शक्लें देखो इन सब की, ठीक है ना। मैं देखो, ह्यूमन ह्यूमन होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पता है कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं बदलती। ठीक है, अब इनके दिल से वो निकल रहा है कि यार हम तो क्या समझ रहे थे और क्या हो गया, हमारी आर्मी तो आई नहीं, हमारी जो जज्बे वाली कौम है, जो जज्बे वाली आर्मी है, वो उसका तो पता नहीं है कहाँ गई वो। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा यार तब डीजल कौन खर्चा करेगा जाके। ठीक है ना, तो मेन बात ये आ रही है सर कि इनके मीडिया में कुछ नहीं दिखा रहे होंगे, वर्ल्ड मीडिया भले ही कुछ भी बोले। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 अगस्त 2019 को ये कहा है इंडिया ने कि हम अक्साई चीन भी वापस देंगे। देखा, यही दिखा रहा है इनके मीडिया वाले। इन्होंने नहीं दिखाया होगा नेशनल न्यूज़ में कि भाई इंडिया ने इतना अच्छा जेस्चर शो किया है, हमारे लोगों को बचाया है ना? वो लद्दाख भी हम उनसे वापस देंगे, वो जो कब्जा किया वो भी वापस देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये कि बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें, इतनी शदीद जंग वहाँ पे जारी है, शुरू हो चुकी है, बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि इन सियासतदानों के नसीब में अल्लाह ने यह भी नहीं लिखा, इस्लाम की रियासत पे बने इस मुल्क के, इस जंग के अंदर शहीद होने वाले फौजियों पर ताज़ियत या मज़म्मत कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फर्ज था कि एज इंसान इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई। ये मुस्लिम मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पर मदद बांटती करते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी तो डिफरेंस बना के रखना है ना उनमें और हमें फर्क है। नमस्कार दोस्तों, जो तो रिसेंटली इंडियन नेवी लगातार अपने कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया को दिखा रही है, किस तरह से हमारी इंडियन नेवी रेड सी में और अरेबियन सी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रही है और हर एक जहाज जो मुश्किल में इस वक्त दिखाई दे रही है उन सबको बचा रही है। दोस्तों, कल इसी तरह का एक कारनामा फिर हमारी इंडियन नेवी ने कर दिखाया। इस बार बारी थी INS शारदा की। दरअसल दोस्तों, सोमाली पायलट ने 2 दिन से एक शिप को बंदी बनाकर रखा हुआ था जिनमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तान मौजूद थे। जैसे ही उन्हें इमरजेंसी अलर्ट आई तभी हमारी INS शारदा ने मोर्चा संभाला, उन सोमाली पायलट से उस शिप को और उनमें मौजूद क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए पहुंच गए और हमेशा की तरह सोमाली पायलट हमारी इंडियन नेवी को देखते ही हक्के बक्के रह गए और अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद इंडियन नेवी ने उन सोमाली पायलट को बंदी बना करके ईरानियन और पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचा लिया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कैसे भारत बगैर किसी धर्म की तकसीस इंटरनेशनल लेवल पे भी कौमों की मदद करता है। मुसलमान ये तो कहते हैं कि जी हम एक उम्मा हैं, और ये भी शायद अरब मुसलमान नहीं कहते, ये साउथ एशियन मुसलमानों को अरबों से जुड़ने का एक शौक है, भाई हम उम्मा हैं, ईरान भी हमारा। यहीं चलता है, इधर वाले बोलते हैं, मतलब मैप देखेंगे ना तो इस तरफ वाले जो है ना, जो ईस्ट में रहते हैं, उनको शौक चढ़ता है उम्मा का, उस तरफ से कभी आवाज़ नहीं आती उम्मा की। भाई अभी ईरान पाकिस्तान के इशू में अब वही साबित करने की कोशिश, पाकिस्तान ज्यादा और ईरान भी थोड़ा बहुत करता रहता है, जी हम एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, एक ही उम्मा के लोग हैं, वो उम्मा उम्मा कर। इट्स अ टूल जो सब यूज करते हैं। अब इसी उम्मा के ईरानी कुछ थे, आप देखेंगे स्क्रीन पे, ईरानी कुछ वहां पे पकड़े गए इन सोमाली पायरेट्स के हाथों और पाकिस्तानी पकड़े गए, तो ये 36 के करीब लोग जिनमें शायद 19 पाकिस्तानी थे और 17 ईरानी थे, तो ये यानी दो मुसलमान देशों के लोग, यानी पाकिस्तान और ईरान के लोग सोमाली मुसलमानों के, यानी सोमाली जो बदमाश पायरेट्स थे उनके हत्थे चढ़े, उन सोमालियों ने उनको अपने पास रख लिया, यरगमाल बना लिया। तो यानी वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वाला, और छुड़ाया किसने? सोमालिया के बदमाशों से इन दो मुस्लिम उम्मा के लोगों को भारत की आर्मी। किस बेस पे? इंसानियत की बेस पे, उस बेस पे जिसकी बात अल्लामा इलियासी साहब। और ये तीनों मुसलमान जो कौमें हैं और भी इनके साथ वाली कौमें, ये मुस्लिम मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पर मदद। इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो जो क्रू इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप?
देखें ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान है या। जब आप इन्हें बचा लोगे, इनकी मदद कर दोगे, इन्हें कोई इमदाद दे दोगे, इनको कोई चीज़ दे दोगे ना, तो फिर ये कहते हैं अरे जी उन्होंने तो ह्यूमैनिटी के लिए कर दिया, ह्यूमैनिटी के लिए करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इनको ना दें तो फिर कहते हैं वो तो है ही हमारा दुश्मन, वो तो है ही दुश्मन। इनके इनका जो है ना, जो होता है ना एक मॉरल कंपस, वो हिला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, इन्हें समझ में आता सही क्या है और गलत क्या है। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी है या इंडियन है, एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। वो छोड़ो मदद की, तुम अपनी आर्मी से, नंबर वन आर्मी से पूछो कि वो थी कहाँ। हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे कि उनका मजहब जात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। देखिए ये तो पॉलिटिकल इशूज है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की वहाँ भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। देखिए ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इंडिया पूरा मुल्क है, इंडिया ऐसे कंट्री अगर पाकिस्तान के साथ वो पॉलिटिकल इशूज है, अगर वो इशूज हैं तो उसको। चलो मैं तुम्हें बता चलू ना भाई साहब, ना 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 ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है कंट्रीज के बीच में जब होता है ना, तो हो सकता है कि वहाँ पॉलिटिकल इशूज हों कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रहा है, नॉर्मली पीपल जो है वो नॉर्मल रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, आपके स्कूलों में ड्रामे होते हैं जिसमें आप हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको आप ह्यूमिलिएट करते हो, उसको आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको आप जो है फाड़ते हो, जलाते हो। आपके यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देते हैं कि हमने जो है इंडियन आर्मी को पकड़ लिया। हमारे यहाँ कभी नहीं, मतलब आई बीन टू 9 डिफरेंट स्कूल्स, एक भी स्कूल में अगर पाकिस्तान की बात भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ ना पॉलिटिकल मसला नहीं है, यहाँ जेन्युइनली यू हेट एवरीबॉडी। वो बात अलग है कि जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है तुम्हें उसी से चिढ़ होती है, तुम्हें अमेरिका से चिढ़ है, तुम्हें इंडिया से चिढ़ है, ठीक है। कौन अच्छा है, वो चाइना बड़ा अच्छा है साहब, ठीक है। हाँ चाइना के लिए हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली वहाँ पर हम बोल, देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो क्या होता है, नॉर्मल जो कंट्रीज होते हैं ना वहाँ दो चीज़ें होती हैं, या तो पॉलिटिकल मसला है या तो फिर रेसिज्म है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो पॉलिटिकल मसला है, आपस में पॉलिटिक्स ही नहीं बन रही लेकिन बाकी सारी पब्लिक नॉर्मल है, या फिर रेसिज्म है ना, वो भी एक चीज़ होती है। लेकिन इनके साथ प्योर शदीद किस्म की नफरत है सिर्फ इनकी तरफ से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है, ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। कल भूल जाएंगे, कल भूल जाएंगे, अभी यूक्रेन में नहीं निकाला था इनके स्टूडेंट्स को। हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया, आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने। पागल, वो तो अवॉइड करेंगे, वो तो कहेंगे हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, दो ईरानी जहाजों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे, एक फोन कॉल पर वो लोग गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। देखिए आपके नेशनल मीडिया पे न्यूज़ दिखा दें कि इंडियन नेवी ने जो है पॉजिटिव वे में दिखा दें कि हां इंडियन नेवी ने ये काम करा है, तो मान लूं मैं। ये बनाना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, तो ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा काम है। किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है। जी बिल्कुल, लेकिन यही तो इश्यूज है पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन पे आप एक पॉजिटिव जेस्चर दो, अगर पूरे न्यूज़ वालों ने ना कवर किया तो बोलना, अगर तुम एक पॉजिटिव जेस्चर दे दोगे ना तो वो नेशनल न्यूज़ में कवर होगा कि हाँ पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, क्योंकि वो न्यूज़ बन जाएगी ना कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, ठीक है। उम्मीद ना बढ़ाए, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि साहब हम वहां गए थे उन्होंने हमसे बिरयान के पैसे नहीं लिए, तो मैं तो कहता हूँ तुम वहीं रह जाओ, मिलती रहेगी तुमको बिरयान, इतने तुम बेशरम हो। एनीबडी हु इज़ एन इंडियन जो कि पाकिस्तान की तरफ जाता है और कहता है कि साहब उन्होंने बिरयान के पैसे नहीं लिए हमसे, तुम बेशरम हो एक नंबर के, ठीक है। एवरी ईयर कपल ऑफ गर्ल्स, कपल ऑफ थाउजेंड गर्ल्स आर अबडक्टेड एंड यू नो, मतलब उनके साथ बहुत कुछ होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो तुम्हारी कम्युनिटी से हैं। अगर तुम एक बिरयान की प्लेट पे अगर तुम उन्हें बेच सकते हो तो तुमसे बड़ा बेगरत कोई नहीं है।
यही सच्चाई है। एनीवेज सब ऐसा नहीं बोलते, अब लोगों की आंखें खुली हैं धीरे धीरे करके, लोगों को समझ में आ रहा है, निकले हैं लोग इससे बाहर। एंड देखो मेरा मानना यह है, जहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात आएगी वी विल रेस्क्यू देम, वी विल सपोर्ट देम, हम ह्यूमैनिटी के लिए हम एड भी भेजेंगे, वो सही है, बट आंखें ना बंद कर लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें, सच्चाई को देखें। एनीवेज इतना ही बहुत है, और अच्छा वीडियो है, अच्छा काम किया है इंडियन नेवी ने एज ऑलवेज, और इन फ्यूचर भी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखें इंडियन नेवी की तारीफ करते हैं कुछ नहीं तो, और लिखें आपको क्या लगता है कितनी दिन में भूल जाएंगे, आपको लगता है कि इनके यहाँ मीडिया कवर करेगा, बस इतना ही कुछ लिखते हैं कमेंट में, ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।